हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं दादी माँ के द्वारा बताए गए 34 घरेलू नुस्खे की वीडियो लेकर आई हूँ। तो चलिए नुस्खे शुरू करते हैं। नंबर 1, पुदीना रस और तुलसी का रस बराबर मात्रा में मिलाकर थोड़ा गुड़ डालकर सेवन करें। इससे आपको बुखार से शरीर टूट रहा है उसमें आराम मिलेगा। नंबर 2, जुखाम होने पर तुलसी और अदरक का थोड़ा सा रस निकाल कर गर्म करके गुनगुना रहने पर थोड़ा शहद मिलाकर लेना फायदेमंद होता है। नंबर 3, डेंगू के रोगी को बकरी का कच्चा दूध थोड़ा थोड़ा करके पिलाए। इससे हाथ पैर के जोड़ों के दर्द में काफ़ी आराम मिलेगा। नंबर 4, सर्दी से बचने के लिए लौंग की चाय लाभकारी होता है। इसके तासीर गर्म होती है। ठंड के दिन में 2 से 3 बार पीने से सर्दी जुकाम खांसी से बचे रहेंगे। नंबर 5, धनिया के पत्ते में काफ़ी मात्रा में विटामिन ए और सी पाया जाता है। यह शरीर में रोग प्रतिरोधी क्षमता को मजबूत करने में मदद करता है। नंबर 6, जो बच्चे रात को सोते समय बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं उन्हें मुनक्का के 2 बीज रात को खिला दें। नंबर 7, जिन लोगों को सांस की दुर्गंध की समस्या होती है उन्हें रोजाना सुबह तुलसी के कुछ पत्ते को मुंह में रखें। ऐसा करने से सांस की दुर्गंध धीरे धीरे कम होने लगती है। नंबर 8, जिन लोगों के बाल बेजान हो गए हैं वे लोग लौंग को थोड़े से पानी में गर्म करके उससे बाल धोए। ऐसा करने से बालों को फायदा होगा। नंबर 9, रोजाना हल्दी वाला दूध पी लेने से शरीर की पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलती है जिससे हड्डियां स्वस्थ और मजबूत होती हैं। नंबर 10, भीगी हुई खसखस खाली पेट खाने से दिमाग में तरावट और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। नंबर 11, टमाटर के सेवन से हड्डियां मजबूत बनती हैं। इसमें पाए जाने वाला विटामिन के और कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। नंबर 12, दांत व हड्डियों के लिए पनीर खाना बेहतरीन लाभ है। यह आपकी हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। नंबर 13, रात को सोते समय केसर, अदरक, खजूर, अंजीर, हल्दी दूध में डालकर पीने से सर्दी के मौसम में होने वाली सर्दी खांसी से बचाता है। नंबर 14, पेट साफ ना हो तो चावल में दूध व शक्कर मिलाकर सेवन करने से दस्त के साथ पेट भी साफ हो जाता है। नंबर 15, यदि भांग का नशा ज़्यादा चढ़ गया हो तो चावल धुलकर निकले पानी में खाने का सोडा 2 चुटकी चीनी मिलाकर पिलाने से नशा उतर जाता है। नंबर 16, अरबी के पत्ते का डंठल पानी में उबाल ले। इस पानी में थोड़ा घी मिलाकर 3 दिनों तक 2 बार ले। गैस की समस्या में फायदा होगा। नंबर 17, जैतून को आप ट्री ऑयल के साथ मिलाकर बालों में लगाए। इसे कुछ देर बालों में लगाकर छोड़ दे। इसके बाद गुनगुने पानी से सर को धो ले। जुए साफ हो जाएंगे। नंबर 18, कमल ककड़ी फाइबर से भरपूर होने के कारण पाचन संबंधित समस्याओं के लिए बहुत फायदेमंद है। इसमें शुगर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करती है। नंबर 19, बाजरा कैल्शियम से भरपूर होता है। सर्दी के दिनों में बाजरा का सेवन शरीर में अंदरूनी गर्माहट बनाए रखने के लिए बेहद फायदेमंद होता है। नंबर 20, ज़्यादा चीनी का सेवन हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इसलिए ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है जो दिल के लिए बहुत ही घातक हैं। नंबर 21, अगर आप अपना शरीर का वजन कम करना चाहते हैं तो काली मिर्च के पाउडर गुनगुने पानी के साथ पिए। इससे शरीर में बढ़ा हुआ फैट कम होने में मदद मिलती है। नंबर 22,
लौकी को हल्की सब्जियों में गिना जाता है। इसके सेवन से पेट में भारीपन नहीं रहता, बल्कि यह शरीर में ताजगी बनाए रखने में सहायक होती है। नंबर 23, हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए, जो गर्म होने के कारण कीटाणु रहित भी होता है, पाचन व इम्यून पावर को दुरुस्त रखता है। नंबर 24, अगर दांत की समस्या से परेशान है तो इमली के बीजों को नींबू के रस में घिसे और उन्हें दांतों वाली जगह पर लगाने से दांत दर्द ठीक हो जाते हैं। नंबर 25, पपीते में एंटीऑक्सीडेंट, खनिज पदार्थ और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए यह पेट के लिए बहुत फायदेमंद होता है। नंबर 26, पाचन संबंधी समस्याओं के लिए लौकी बहुत लाभदायक है, इसे अपने भोजन में शामिल करने से पाचन क्रिया बेहतर रहता है। नंबर 27, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च को बराबर मात्रा में लेकर पीस ले, इस मिश्रण की छोटी छोटी गोलियां बना ले, सुबह शाम एक गोली मुंह में रखकर धीरे धीरे चूसे, इससे खांसी में बहुत आराम मिलता है। नंबर 28, अगर आपके सीने में जलन हो तो पकी हुई इमली के रस में मिश्री को मिलाकर पीने से तुरंत सीने की जलन खत्म हो जाती है। नंबर 29, डेंगू होने पर गिलोय की 6 इंच डंडी ले और इसे काट कर एक गिलास पानी में उबाल ले, पानी आधा रह जाए तो इसे छान कर ठंडा होने पर रोगी को पिलाए, आराम मिलेगा। नंबर 30, जुखाम से होने वाले सर दर्द में गर्म पानी में थोड़ा सा नमक मिलाकर उसमें कुछ समय के लिए पैर डुबोकर बैठने से आराम मिलता है। नंबर 31, अमरूद को भूनकर खाने से पुरानी खांसी ठीक हो जाती है। नंबर 32, खांसी होने पर बेर का जूस पीनी चाहिए, इससे बुखार व खांसी दोनों ही खत्म हो जाती हैं। नंबर 33, दांतों व मसूड़ों में दर्द होने पर, दांतों में कीड़ा होने पर अमरूद के पत्तों को चबाने से फायदा होता है। नंबर 34, खूनी बवासीर की समस्या से परेशान है तो आप इमली का रस सुबह और शाम पीने से राहत मिलती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की टिप्स वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी का बटन प्रेस कर दीजिएगा, उससे मेरे आने वाले नए वीडियो देखने को मिलेंगे। तो मिलती हूँ ऐसे ही टिप्स वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।